मुख्तार अंसारी जी जो थे जिन्होंने हमारी हेल्प की थी उस टाइम मेरी मम्मी की जान बचाई उनके वजह से मेरी मम्मी आज जिंदा है जिन्हें का अधिकार नहीं है अगर हम हिंदू के जात से हैं तो यहाँ जीने का अधिकार हमको हिंदू जब नहीं देगा तो हम क्या करेंगे अब? मेरी मम्मी को को सर में टाके लगे उनको से मारा गया था हम लोग कैद रखा चौदह मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता तो है नहीं आप कह रहे हैं कि अब हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे तो आपको कैसे लगता है की आपको न्याय मिला हम लोग कई मुस्लिमों से जिसका नाम नहीं बताऊंगा संपर्क जारी है मदद मांगने का प्रयास किया तो उनका कहा उनकी कुछ शर्तें थी जो अभी कहना उचित नहीं है तो हम मदद करेंगे आपकी तो हम लोगों ने स्टैंड लिया हम उनके संपर्क में जो कहेंगे अपनी मदद के लिए उनकी बात सुनेंगे हम मैं हाफ कपड़े में थी और जेंस पुलिस घर में घुस गई बहुत मिसबिहेव किया उन लोगों ने तो पंद्रह दिन तक हम लोगों ने खाना पीना नहीं खाया पूरी नशे सूख गई थी सर तो एक घंटे में तीन तीन मुकदम गाड़ी में बिठा के हम लोगों को एनकाउंटर करने की वहाँ सीने पे मम्मी के सीने के बंदूक कौन सटाया था महिला पुलिस थी नो तो सर जेंट्स पुलिस थी सर ने बंदूक सटाई थी और मम्मी भी थी आपकी जब आपकी छाती पर बंदूक सड़ा जी था? सर मेरे मम्मी पापा दोनों लोग थे अच्छा आप आप, आप भी थी जी हमारी कम्युनिटी के लोगों ने हमारी कोई हेल्प नहीं की इतना सब कुछ हमारे साथ हो गया बट हमारे साथ की कोई खड़ा नहीं रहा जो हमारी हेल्प करेगा उसकी हम सुनेंगे उसकी, हम सुनेंगे उसकी हम सुनेंगे हमसे लोग मिल रहे हैं चेंज करवाने के लिए तो दूसरों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जो हमारी हेल्प करेगा कि हम सुनेंगे अभी हमारे साथ आप जिस परिवार को फ्रेम में देख रहे हैं किसी जमाने में इस परिवार की मदद मुक्तार अंसारी किए थे अब ये परिवार कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं अब ये परिवार कह रहा है हो ना हो अब अगला नंबर हमारा है जिस तरीके से मुक्तार अंसारी के साथ जो कुछ भी जेल में हुआ अब इसके बाद अगला नंबर हमारा है हमारे परिवार के ऊपर खतरा मटरा रहा है और हमारे परिवार के जान माल पर संकट है और इस परिवार का खुले मन से ऐलान है कि यदि हम हमको न्याय नहीं मिला तो हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे कुछ दिनों पहले इस तरीके का वीडियो सर्कुलेट हो रहा था अभी हमारे पास वही परिवार है और उसी परिवार से आज बातचीत करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है क्या मजबूरी है कि एक परिवार इस तरीके से आहत हो जाता है जरा आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये

हमें मुख्तार अंसारी के बाद अब अगला नंबर हमारा है हो ना हो हमारे ऊपर जान का खतरा मंडरा रहा है और पुलिस हमें आने वाले दिनों में किसी भी झूठे मामले में फंसा कर हमारी हत्या करवा सकती है ऐसा क्यों कह रहे हैं आप ऐसा इसलिए कि अभी हाल ही के दिनों में हम लोग ऐसे ही पंद्रह साल से घर से बाहर घर पर नहीं रहने देगा हमारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर रखी है और विगत पंद्रह साल से हम लोग दरबदर ठोकर खा रहे हैं जब भी पुलिस प्रशासन के पास गए स्वयंवादी बन के एक दिन में तीन तीन मुकदमे दर्ज करके हम लोग को प्रताड़ित किया पहले भी जेल में डाला है और वर्तमान में तो इस तरह का खुखार हो चुके हैं गाजीपुर के एस पी डी एम और आर टी कि कभी भी अभी हम लोगों को झूठे तरीके से हम लोग राज्यपाल से उनके खिलाफ़ मिल के आए थे या हम लोग को जो प्रताड़ित कर रहे थे तो राज्यपाल महोदय से तो उन्होंने यहाँ पर हम लोगों को फोर्स लगा कर कस्टडी में रखा कई हम लोग अट्ठारह तारीख को रात को जाने का प्रयास किया उनके यहाँ पुनः मिलने के लिए तो वहाँ से उठा कर लाए गाजीपुर कोतवाल और ये लोग हम लोग और साइड हम हमको हमारी बेटी और हमारी पत्नी को इनकाउंटर करने का प्रयास किया था आपके परिवार का इनकाउंटर करने का प्रयास किया था और आपने एक शब्द का जिक्र किया यहां पर कि एसपी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से खुखार हो चुके हैं कि वो हमारे खून के प्यासे हैं हमारे जान के पीछे पड़े हुए या फिर क्यों आप कोई अपराधी तो है नहीं आप कोई आतंकवादी तो है नहीं फिर आपके पीछे लोग दो में हम लोग पे जो प्राण हमला हुआ था उसमें पुलिस के अधिकारी थे जिन पर अभी भी आज भी मामला लंबित है और हम गाजीपुर में हम तो बाहर कहीं गए नहीं गाजीपुर में एक प्रचलन बना है कि जो भी काम करेंगे वे सिस्टम में काम करेंगे और प्रशासन को पैसा देंगे हम परिवार किसी तरह पाल रहे थे तो हम इनको पैसा कहाँ से दे पाएंगे हम पैसा ना दिए जाने के कारण से ये विरोध हो गया और विरोध के जरिए इन लोगों ने इस तरह का हम लोगों को इनकाउंटर करने का कौन आपसे पैसा मांग रहा था और कौन आपसे गुंडा टैक्स ए ए आर टी ओ गाजीपुर और एस पी गाजीपुर के जो थाना वहाँ पर जो पुलिस हैं और अन्य जगह रोक रुक कर ये पैसा अवैध वसूली करते हैं सोम्या पांडे और इन्होंने एक सडन रचा है। और यहाँ तक कि हमारी बेटी पर मेरी पहले इनकाउंटर करने का प्रयास किया हम लोग को कैद रखा चौदह में। जेल में हम लोग पंद्रह हैं कि आप हिंदू हैं और आप अपना टाइटल राय साहब लगाते हैं जी और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अब हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे तो आपको कैसे लगता है कि आपको न्याय हमने उनसे मदद मांगने गए हम लोग कई मुस्लिमों से जिसका नाम नहीं बताऊंगा संपर्क जारी है मदद मांगने का प्रयास किया तो उनका उन उनकी कुछ शर्तें थी जो अभी कहना उचित नहीं है तो हम मदद करेंगे आपकी तो हम लोगों ने स्टैंड लिया है कि जोगी जी से मिलेंगे और न्यायिक जांच की सुरक्षा की जिम्मेदारी दें अन्यथा हम उनके संपर्क में जो कहेंगे अपनी मदद के लिए उनकी बात सुनेंगे हम यदि आपको न्याय नहीं मिलेगा तो जो तम जिस, जो, जो। जि, जिस मुस्लिम धर्म जिस मुस्लिम से अभी आप संपर्क में हैं मुस्लिम के तमाम लोगों से आप संपर्क में हैं तो वो यदि कहेंगे धर्म अपनाने के लिए तो आप धर्म अपना लेंगे हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी न्याय के लिए अपनी बच्चों की जिंदगी क्योंकि बच्चों को फंसाया जा रहा है हम किसी तरह का कोई दबाव बनेगा या शर्त रखी जाएगी तो उसको मानेंगे और पत्नी है आप क्या नाम है आपका क्या हुआ है पूरी घटना थोड़ा सा बताइए सर घटना ये हुआ कि जब भी हम अधिकारियों के यहाँ जाते हैं मेरा मेरे उसको प्रताड़ित किया जाता है अधिकारियों से गाजीपुर के अधिकारियों से हमको भय है कि हमारी कभी भी मेरे परिवार की हत्या कर अभी कुछ दिन समय ही मैं जेल से आ रही हूँ और मेरे शरीर का पूरा बिटनेस खत्म हो गया है मैं बोलने के लिए मेरे पास नहीं है कि मैं बोल पाऊँ लेकिन आप लोग मतलब मैं किसी जमाने में किसी जमाने में आप एक समाज सेविका थी और अब कह रही हैं कि हमको इस तरीके से पुलिस वाले और तमाम प्रशासन के लोग इस तरीके से परेशान कर दिए हैं कि आज हमारी स्थिति पूरी तरीके से पलट गई है किसी ज़माने में हम लोगों की मदद किया करते थे और आज हमारा कोई मदद नहीं कर रहा है जी नहीं कोई नहीं हम हिंदू जाति से तो हैं लेकिन कोई हिंदू अब अब तक हमारे पास आया नहीं मदद के लिए और दो हजार नौ में हमको मारा गया था मेरे परिवार मेरे मुझको मेरे पति को मारा गया था और मेरे को पूरे परिवार को मारा गया था, मारा था मेरे पटीदारमोद शंकर प्रमोद शंकर राजू रिंकू मेरे गांव के हैं मेरे बगल के मेरे पटीदार ही इनके बड़े पिताजी के लड़के हैं तो उस समय मैं तो बेहोश हो गई थी लेकिन मेरे पति कहते हैं कि महेन के कुछ लोग थे जो मदद किए थे और मुख्तार अंसारी जी के आ, मतलब लोग थे और वही हम लोग हमारा मेडिकल वेडिकल बनवाए थे उस समय बार बार उनका ये है कि किसी तरह से इनको फंसा के वो किया जाए ताकि ये लोग हमारे खिलाफ़ कहीं ऊपर न दरखास्त दे अभी बाहर में भी सात तारीख से लेके और उन्नीस तारीख तक बीस तारीख तक ये लोग नजरबंद किए थे हम लोग जब भी जाते थे राज्यपाल जी से या मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करते थे उठा उठा ले आके घर में बंद कर देते थे मारपीट के और से उठा लाए फिर एक दिन जाने के लिए कोशिश की अठारह तारीख को तो बनारस ये लोग लेके चले बनारस ये लोग पूरा फोर्स लेके चले गए ग्यारह बजे रात को जैसे कि मेरे पति बता रहे थे अब उसको उतना वो नहीं है कि मैं आपसे अपनी बयान बता सकूं पूरी <laughs> मैं मत, और देखिए बताते बताते आंखों से आंसू निकल जाता है और ये परिवार अभी मुझे दिखा रहा था ये मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए ये फाइल है और ये अखबार अख़बा, अखबार की कटिंग है रोइे मत माता जी आपके साथ न्याय जरूर होगा और यदि आप लोग किसी किसी चीज़ में संलिप्त नहीं है दोषी नहीं है तो निश्चित रूप से ये देखिए तमाम फाइलें हैं और ये फ़ाइलों में ये सा, ये साफ फाइलें रखे रखे सड़ जाएंगी, ये फाइलें पुरानी हो जाएंगी और इन इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा ये देखिए अखबारों की कटिंग है और मैं चाहता हूँ आप ये दिखाइए अभी ये दिखा, ये दिखा रहे थे और देखिए इसमें तमाम जगह पर क्या होगा क्या क्या होगा इस इन फाइलों का जब इस तरीके से फरियादी न्याय का गुहार लगाएगा और उसे न्याय नहीं मिलेगा आप समझिए कि बताते बताते आज कह रही हैं कि पुलिस हमें इस तरीके से प्रताड़ित करती है इस तरीके से हमें घर में ही कैद कर देती है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है एक सीधे शब्दों में आपसे सवाल करेंगे आपका अपराध क्या था कि आपको जेल भेज दिया गया आपने क्या क्या ऐसा जुल्म कर दिया कि आपको तमाम के लोग था और जो आर टी साहब हैं उनका यही कहना था कि तुम अपनी गाड़ी चलवाओ लेकिन पैसा दो तब गाड़ी चलेगी मेरे पति कहाँ से गाड़ी पैसा देंगे और कैसे गाड़ी चलवाएंगे मैं यही अधिकारी आपसे पैसा मांग रहा है जी अधिकारी वसूल रहा है जी और हम देने के लिए सक्षम नहीं थे क्योंकि एक ही गाड़ी दो गाड़ी थी जो चलवाते थे उसमें भी पैसा बचता नहीं था मेरे बच्चों बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा आता नहीं था तो हम बार बार कहते थे खेत तो उनके अधीन है दो हज़ार नौ से ही पंद्रह साल हम से हम लोग घर द्वार छोड़े हैं उसमें शशिमौली पांडे इन्वाल्व हो गए थे वो मेरे पति का तहरीर बदल दिए थे उसकी पुष्टि करते करते नौ नौ दस साल हम लोग को लग गया फिर भी मतलब अब जाके दस साल के बाद वो पता चला है कि इनके सिग्नेचर नहीं है वो शशि मौली पांडे ने किसी से सिग्नेचर करवा के मुकदमा दर्ज करवाया है तो आपने आप आपका ये स्पष्ट शब्दों में कहना है कि पुलिस प्रशासन के लोग आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग हमसे जो है गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं और कहते हैं कि पैसा दो ये इस तरीके से पुलिस वाले, वाले मांगते हैं जी पुलिस वाले मांगते हैं तो हम ए मांगती है और ये एस और डी साहब के संरक्षण है इनका और आप ये भी कह रही हैं कि जब आप न्याय के लिए आगे जाती हैं तो उल्टा आपके ऊपर ही झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है और तमाम तरीके से जो है आपको आपके ऊपर मुकदमा एफ आई पंजीकृत कर दिया जाता जी है जी हाँ मुकदमा पंजीकृत किया जाता है मैं ये चाहती हूँ की हमको योगी जी से मिलवाया जाए और हमसे वो मिले ताकि इसकी न्याय जाँच हो इसके मुखिया तो सबकी बात सुनते हैं जनता दरबार लगाते हैं उनका कहना है कि जनता दरबार लगा के तमाम लोगों की समस्या का निराकरण करते हैं उनके जो है समस्या का समाधान कर देते हैं तो आप क्यों नहीं जाती हैं हम जाते हैं हमको जाने नहीं दिया जाता है अंदर हमको गेट से बाहर ही हटा दिया जाता है भाग्य कौन हटाता है आपको अब उनके जो भी पुलिस लगे रहते हैं योगी जी के गेट पर वो हटा देते हैं कहते हैं कि गाजीपुर से फोन आया था कि सुमन राय आई अपने परिवार के साथ पहले किसी से बात करते हैं अंदर उसके बाद हटा दिया जाता है हमको की वो नहीं है यहाँ पे होते भी होंगे तो हमको मतलब हटा दिया जाता है कह के वो नहीं कह रही है की गाजीपुर के जो अधिकारी है उनका फोन चला जाता है जब आप मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने की कोशिश करते है। मेरा नंबर सर्विलांस पर ये लोग पता हमेशा लगाते रहते हैं कि लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं अच्छा, आपका नंबर सर्विलांस पर भी लगा हुआ है जी इसी से पता लगा लेते हैं कि हम लोग कहाँ जाते हैं तो वहाँ बात करते हैं कहते हैं कि उनसे न मिलना मिलने दिया जाए ताकि यहाँ की पूरी बात वो लोग जाके वहाँ बता रहे हैं के लोग को कोई साथ नहीं, नहीं नहीं साथ खड़े हो न कोई अधिकारी तो हमें हमको प्रताड़ित कर ही रहा है कोई भी नहीं हमको सुनवाई और ऊपर भी जा रहे हैं तो वो अधिकारियों को लेटर भेज रहे हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी एक बिटिया है जो बगल में बैठी हुई है मैं नाम आपको नहीं बता सकता और लेकिन एक चीज़ जरूर इनके बारे में कहना आता हूं कि इनके परिवार का कहना है कि इनकी बच्ची जो है सिविल सर्विस की तैयारी करती है तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती है और इसके ऊपर भी फर्जी तरीके से झूठा मुकदमा लाद दिया गया और इसको पूरी तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया गया क्या कुछ हुआ इन्हीं के साथ सुनेंगे आ, क्या हुआ है पूरी घटना थोड़ा बताइए विस्तार से सर अभी जनवरी की बात है ये मामला तो 2009 से स्टार्ट हुआ 2009 में मेरी मम्मी और मेरे पापा को मारने की कोशिश की गई थी मेरे पटीदारों ने मारने की कोशिश की थी okay. मेरी मम्मी को सर में 22 टाके लगे उनको गणासे से मारा गया था और उसी टाइम कोई हमारी गांव में भी मदद नहीं किया उस वक्त हम लोग काफ़ी छोटे छोटे थे दो ढाई साल के हम लोग थे मैं और मेरा भाई hmm. तो हम लोग के गाँव में किसी ने हेल्प नहीं किया अदर गाँव के जो पीछे गाँव के लोग हैं महीन के लोग उन्होंने हेल्प किया था वो बताया जाता है मेरे पापा बताते हैं कि उन ने हेल्प किया था मुख्तार अंसारी जी जो थे उनके कुछ लोग थे जो जिन्होंने हमारी हेल्प की थी उस टाइम मेरी मम्मी की जान बचाई उनकी वजह से मेरी मम्मी आज जिंदा हैं और उन्हीं की वजह से मुकदमा भी दर्ज हुआ था क्योंकि मुकदमा भी वहाँ के जो थाना इंचार्ज थे शशि मोहल्ल पांडे जी वो काफ़ी उस टाइम उन्होंने पैसे वैसे लिए थे दयादों से मिल उन्होंने मरवाया था पिटवाया था उनके संरक्षण में दयादों ने मारा था मम्मी को तो वो मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था पापा का तो उन्होंने मुख्तार अंसारी जी के जो लोग थे कुछ उन्होंने हेल्प किया था मुकदमा दर्ज करवाने में और उसके बाद से मेरी मम्मी बची मतलब उनका इलाज उलाज भी वो लोग करवाए थे हेल्प किए थे हमारी बहुत इस चीज़ के लिए और फिर अभी हाल में सर आ, इस इन सब चीज़ों के लिए मेरी मम्मी बार बार अप्लीकेशन देती थी ऊपर जाती थी बट इसके लिए कुछ कार्रवाई नहीं हुई सर आज तक और अभी हाल फिलहाल में जब मेरे पापा जो काम करते हैं सर ड्राइवर हैं तो उनको उस चीज़ के लिए वसूली मांगी जाती है कि आप अगर रोड पे चल रहे हो ये एक सिस्टम बना हुआ है यहाँ का गाजीपुर का सर कि अगर आप रोड पर चल रहे हो तो उसके लिए आप पैसे दोगे और मेरे पापा नहीं दे पाते थे तो इसके लिए मम्मी ने कम्प्लेन किया एसपी सर के यहाँ डीएम मैम के यहाँ तो डीएम एम मै एस सर कहते थे बार बार कि आप यही प्रकरण लेके यही चीज़ लेके बार बार क्यों आते हो इस पर वो जांच नहीं करवाते थे और तो इसके लिए मम्मी एक दिन गेट के बाहर उनके यहाँ एसपी सर के यहाँ पत्रिका देकर शांतिपूर्वक बैठ गई कि हमसे ज़बरदस्ती वसूली की जा रही है हम नहीं कर पाए हम नहीं दे पाएंगे हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं इसके लिए आप एक जांच करिए इनका कि ये मतलब क्या कर रही है ए आर टी ओ मैडम कौन सा जगह है जहाँ बता रही है कि अवैध वसूली होता है सर यहाँ गाजीपुर में पुल पूल है दो पुलें हैं दोनों पुलों पर रात में बहुत और बहुत खुलेआम वसूली होती है सर पूरे टोल टोल पे भी होती है गाजीपुर नंदगंज रैक है वहाँ पे सर खुलेआम ओवरलोडिंग होती है पुलिस प्रशासन काफ़ी सर हम लोगों को फँसाने की ऐसी कोशिश करती है जब भी मेरी मम्मी आवाज़ उठाती हैं किसी चीज़ को लेके तो वो लोग चाहते हैं कि पूरे परिवार को फँसा दें उनके बच्चों तक को फंसा दें उन्होंने फ़र्ज़ी मुकदमा उस टाइम भी दर्ज करवाया था जो कि उन्होंने खुद दर्ज करवाया और ख़ुद ख़त्म किया उस केस को कि हम उसमें नहीं हैं और फिर इस टाइम जब मेरे पापा वसूली नहीं दे रहे थे तो इस टाइम फिर उन्होंने मुझे फंसा दे फा दे गलत मुकदमे में सर तीन सौ का मुकदमा उन्होंने किया है और हमको जेल में डाल दिया सर छः से लेके जनवरी छः से लेके कर बीस तक के बीच में हम लोगों को घर में नज़र बंद रखा और इसी बीच हम लोग कैसे भी बच बचाते जाने की कोशिश किए लखनऊ अपर मुख्य राज्यपाल महोदय जी से मिलने और मुख्यमंत्री जी से मिलने तो इन्होंने हमको वहाँ से पकड़ के हमारे फ़ोन इन्होंने सर्विलांस पर रखे थे ये हमको पता नहीं था सर फ़ोन सर्विलांस पर रखे थे और बीच में हमको पकड़ के बनारस से एक बार लाने की ला के औरियहार लाया गया वहाँ से पूरे गाजीपुर की टीम गई बनारस में पूरी बनारस की गई चार चार जीप से और वहां से और यहा ला के फिर यहाँ के गाजीपुर के कोतवाल सर थे वो गए उन्होंने वहां पे हमारे एनकाउंटर करने का कोशिश किया हम काफी रो गिगड़ाए कि हम ऊपर नहीं जाएंगे हमको छोड़ दीजिए तो ये काफी एस सर से अटैच रहते थे, थे फोन से हमेशा उनकी वार्ता होती रहती थी तो उनको उन्होंने कॉल किया कि हम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि हम ऊपर नहीं जाएंगे रो गिरा रहे हैं तो शायद उनका म, मन चेंज हुआ कि क्या हुआ सर उन्होंने मुकदमे में फंसाने के लिए हमको अगले दिन पता चला कि उन्होंने हमें मुकदमे में फंसा दिया फिर हमको उनका मंच घर ले आके छोड़ दिए और उसके बाद पुलिस फोर्स बाहर के रखे गाजीपुर के एसपी आपका इनकाउंटर करवाना चाहते हैं और गाजीपुर के डीएम जिलाधिकारी आपका आरिका खौरी आपका इनकाउंटर करवाना चाहती है क्यूँ क्योंकि सर मम्मी मेरी डेढ़ सालों से विगत इस वसूली के के लिए अपन डालती रहती थी इसके लिए एक सौ छप्पन के तहत के के किया था इसी ऐसी छिड़के इन लोगों ने हमारे ऊपर ऐसा किया सर उन्नीस तारीख कब की कब की घटना है कि आपके आप परिवार को और आपको आप जो है पुलिस बंदूक सटाती और इनकाउंटर करना चारे सर एटीन एटीन जनवरी की रात आ, की रात की बात है ये जनवरी दो जी 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 दो हजार चौबीस जी सर उसी बीच में छह से लेके बीस तक के बीच में इन लोगों ने हमारे घर में ही हमको नजरबंद रखा था कम से कम 10-10 पुलिस फोर्स घर के बाहर दिन रात बैठी रहती थी सर इसी घर के बाहर मैं चाहती हूँ जी मैं चाहती हूँ उन लोगों का सीडीआर निकलवाया जाए और देखा जाए कि हमको वो लोग कहाँ पे हैं इस टाइम क्योंकि जिन जिन लोगों का यहाँ पे लगाया जाता होगा सुरक्षा सुरक्षा में या फिर हमारे नज़रबंदी में उन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा सर उन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा और हम लोगों को उन्नीस को मुकदमा रात में दर्ज हुआ हमको पता नहीं था सर हम लोग घर में थे और बीस को सुबह जेल में ले जाया गया यहाँ से मारते पीटते हम लोग घर में मैं हाफ कपड़े में थी और जेंट्स पुलिस घर में घुस गई मुझे जबरदस्ती खींच के मारते पीटते ले गई सर महिला आप, पुलिस नहीं जेंट्स पुलिस आप ले गई थी और, जी और उस तरीके से प्रॉपर कपड़ा जी नहीं नहीं सर घर में जानते ही है लड़कियाँ और घर के लोग कैसे नॉर्मल बहुत हाफ कपड़े में रहते हैं उस तरीके से जेंट्स पुलिस घर जीतते हुए मार पीट के ले गई और जी आ, मुझे और मेरे पेरेंट्स को भी साथ में सर और उसके बाद जेल में सब सर, सर जब ले जाया गया तो वहाँ भी हम लोगों के साथ बहुत मारा पीटा गया और वहाँ पर धमकी दी गई कि आप मेरा भाई उस टाइम बाहर था छोटा है सर मुझसे नहीं नहीं कि उसको भी मरवा देंगे हत्या करवा देंगे हम हम लोगों ने सीजन सर के यहाँ जब उस दिन पेश करवाया गया बीस तारीख को जेल में भेजने के लिए तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ गलत हुआ है सीजन सर ने इस चीज़ को जानते हुए भी हमारे साथ अन्याय किया हम हमें जमानत नहीं दी और हमने उस टाइम बोला कि सर हमारे साथ गलत हुआ है हम अन्न जल त्याग देंगे क्योंकि मेरी पढ़ाई तो सर वेस्ट हो नुकसान हो गया मैं चार सालों से विगत पढ़ाई करती हूँ बाहर मेरा तो कोई करियर ही नहीं बचा जेल में भेजने के बाद भी हम लोग को प्रताड़ित किया गया हमारा पीटा जाता था धमकाया जाता था पंद्रह दिन तक हम लोगों ने खाना पीना नहीं खाया पूरी नशें सूख गई थी सर अलग अलग जेलों में फिर ट्रांसफर कर दिया गया दस दिन के बाद कि हम वहाँ लोगों को परेशान कर रहे हैं हम चाहते आए हम चाहते न्यायिक जांच हो कह रही है और रहती थी और जबरदस्ती आपको घर में से घसीटते हुए लेके चली जाती है और आप कह रही है की जज साहब के पास भी आपको न्याय नहीं मिला सर इस टाइम पे आपको इनकाउंटर करने के लिए पुलिस ले गई थी और आप बता रही है की आपके ऊपर पर भी आप, आपके पुलिस बंदूक रखी थी जी सर सर मैं बता नहीं सकती उस टाइम लेकिन सर बहुत मिसबिहेव किया उन लोगों ने पूरी तरीके से प्रताड़ित किया और देखिए सर गाड़ी में बिठा के हम लोगों को एनकाउंटर करने की वहाँ और पे कोई ढाबा है वहाँ पे मारने की कोशिश की हम लोग बहुत रोए गिर गिराए तो हम लोगों को उन्होंने एसपी से बात किया कोतवाल गाजीपुर ने और उसके बाद बंदूक कौन सटाया था महिला पुलिस थी आपको नो सर जेंस पुलिस थी महिला पुलिस तो बहुत मुझे नहीं लग रहा है की थी सर पुलिस ही ज्यादा गए थे तीन तीन चार चार गाड़ियों से गए थे कि, कितने लोग बंदूक सटाए थे एक पुलिस थे कितने कितने लोग बंदूक पुलिस वाले तो काफी थे लेकिन सीओ सीओ थे वहाँ पे उस टाइम कोतवाल थे वहाँ कोतवाल सर ने बंदूक सटाई थी सर लेकिन कोतवाल सर ने जी क्या नाम है उनका सर कोतवाल सर का नाम दीनदयाल पांडे है सर अच्छा दीनदयाल पांडे पांडे जी जी है यही जी नाम है। जी सर जी सर अच्छा यही नाम है और, और ये आपके प्रावी, चेस्ट पर बंदूक सटा, सटाते हैं जी और सर वहाँ के खानपुर के एसओ हैं प्रवीण यादव वो भी गए थे सर लेने साथ में सर तीन से चार जीपो से ये लोग गए थे हम लोगों को लेने और वहाँ कैंट हम लोग स्टेशन पे ग्यारह बजे रात को बैठे थे लखनऊ का ट्रेन पकड़ने के लिए ये लोग सर्विलांस पे फोन लगा के रखे थे और सीसीटीवी फुटेज होगी जिस हम लोग वेटिंग हॉल में अगर लखनऊ के जंक्शन पे बैठे वहाँ सीसीटीवी फुटेज है सर हम लोग चाहते हैं कि वो भी इन सब चीजों की एक न्यायिक जाँच हो उनको सुरक्षा दी जा सके क्योंकि हम लोग को जान माल का बहुत खतरा है आपके साथ और मम्मी भी थी आपकी कि जब आपकी छाती पर बंदूक जी सर क्या? मेरे मम्मी पापा दोनों लोग थे अच्छा आप, 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 आप भी थी जी हम हम इनके भी छाती पर लगाए थे और हमारे इनके कन कनपट्टी पर लगाए थे और हमारे छाती पर लगाए थे हम लोग बहुत रोए गिर रहे उस समय तब जाके पता नहीं किसका फोन आया तो ये अपना जो है हटाए बहुत देर के बाद बहुत रोग गिराए कि हम लोग अब नहीं लखनऊ जाएंगे आज के बाद और जो आप कहेंगे वही करेंगे उसके बाद तो सुबह हमारे साथ ये घटना हो गया कि ये लोग साजिश करके और मुकदमा में फंसा दिए ये लोग जीप के अंदर बैठा के आपके कनपट्टी पर छाते इनके गणपति पे नहीं नहीं बाहर निकाले थे सर बाहर रोड के किनारे रोड के किनारे नीचे मिले गए थे हम तीनों को ढाबा से थोड़े दूर था और वहाँ रोड के नीचे वहाँ से खानपुर एसओ और कैंट स्टेशन वाले सब मदद करके उठा के लाए और फिर वहाँ पर कोतवाल मौजूद थे सैदपुर और बिहार के थाने की रात थी काफ़ी बीच में और फिर सुनसान में ले गए नीचे रोड के किनारे ले गए और वहाँ इस तरह की धमकियाँ दी आप तैयारी कर रही हैं यूपीएससी जैसे जैसा एक प्रतिष्ठित एग्जाम है देश का सबसे बड़ा परीक्षा होता है उसकी उसकी तैयारी कर रही हैं और आप लोगों के साथ ये तमाम चीजें हो रही हैं अब आप लोग ये कह रहे हैं कि इससे तंग आकर अब हम पूरी तरीके से धर्म बदल लेंगे मुस्लिम बन जाएंगे क्या लगता है कि आपको इससे न्याय मिलेगा करेगा उसमें सर हमारी कम्युनिटी के लोगों ने हमारी कोई हेल्प नहीं की इतना सब कुछ हमारे साथ हो गया बट हमारे साथ कि कोई खड़ा नहीं रहा तो जो हमारी हेल्प करेगा उसकी हम सुनेंगे अगर हम हमारे ऊपर ये थोड़े से दबाव बन रहे हैं सर हम अगर अपना चेंज कर रहे हैं हम लोग से मिल रहे हैं। करना चाहते हैं या फिर हमसे लोग मिल रहे हैं चेंज करवाने के लिए तो दूसरों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर लोग बोलते हैं कि आप पहले क्यों नहीं चेंज कर लिए या फिर अब क्यों चेंज करना चाहते हो अब क्यों ये मुद्दा उठा रहे तो पहले आपने क्यों नहीं हमारा साथ दिया आप हमसे पहले पूछने क्यों नहीं आए हमारे साथ इतनी सारी घटनाएं घट गई आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए वो क्या मानती है कि मुस्लिम बन जाएंगी तो आपको न्याय मिल जाएगा नहीं बन कहाँ रहे हैं सर हम हम अभी कहाँ मुस्लिम बन रहे हैं या फिर बन गए हम तो हिंदू हैं लेकिन अगर हम हम ये ऊपर दबाव पड़ रहे हैं अगर हमारा साथ जो देगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे अपना ये वीडियो यदि योगी आदित्यनाथ तक जाए प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाए तो आप क्या क्या निवेदन सर मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमसे एक बार एक बार हमारी विनती को सुने और हमारे सारे प्रकरणों के लिए हमें सुरक्षा दें सुन के और हमारी न्यायिक इस सारे प्रकरणों को जो जब से ये सब हो रहा है सारी चीजों की न्यायिक एक जाँच करवाई जाए सर जिससे साबित हो जाएगा कि हम गलत नहीं है सर